मेरा नाम अतीक रहमान है और मैं ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं इस टाइम यूक्रेन के ओडिशा स्टेट में हूँ। जो अगर मैं यहाँ की सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे लोग काफ़ी पैनिक हो चुके हैं और भारी मात्रा में ग्रोसरी जाके स्टॉक खरीद के उसका बैकअप बना रहे हैं। और कीव कैपिटल में जबकि 300 से लेकर 400 स्टूडेंट हैं जो कि स्ट्रैंडेड हैं। और हमारे ओडिशा में आसपास की जो भी एरिया है, 8 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में लगातार बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है। आज सुबह के ही टाइम में लगभग 4 बजे के अराउंड सायरन बजने लगा। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक के सायरन बजा और बम ब्लास्टिंग की आवाज़ आई। हमारी बिल्डिंग जो थी वो वाइब्रेट कर गई। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिविलियन जो है उनका भी बहुत नुकसान होता है, जो स्टूडेंट है उनका भी बहुत नुकसान होता है। क्योंकि लास्ट टाइम 2014 के अराउंड जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था तो रशियन ट्रूप्स आगे इन्वेड कर रहे थे, तो उस दौरान जो प्रो रशियन थे वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गया था। ग्रॉसरी बंद हो गई थी, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं था। खासकर जो भी स्टूडेंट थे वो काफ़ी अफेक्टेड हो गए थे इन सारी चीज़ों की वजह से। और ओडिशा में अभी तो मार्शल लॉ भी लग गया है, इमरजेंसी सिचुएशन भी आ गई है, एयर स्पेस भी बंद हो चुका है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें यहाँ से जल्द इवैकुएट कराएं और हमें सेफली घर पहुँचाएँ।